नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम सदन में एक दूसरे के खिलाफ सीलिंग को लेकर जमकर हंगामा किया और सदन में एक दूसरे पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। दिल्ली में सीलिंग के विषय में तीनों ही निगमों ने किया हंगामा। आम आदमी पार्टी के नेता ने मेयर से अपील की कि कन्वर्जेशन चार्ज माफ करे और सीलिंग बंद करे, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई और इस बीच बहस के बीच एक महिला नेता जो कि आम आदमी पार्टी से थी, उनके ऊपर बीजेपी के निगम पार्षद ने हाथ भी उठाया, पर निगम पार्षद रेखा ने इस पर कुछ बोलना भी गवार नहीं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से तीनों निगम हंगामा करते रहेंगे तो व्यापारियों को सीलिंग और कन्वर्जेशन चार्ज से निजात कैसे मिलेगी। सदन में हंगामा इसलिए चल रहा है कि आज हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था कि तीनों की तीनों नगर निगम को इकट्ठा करके दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने जा रहे थे, जिसमें कि ये रोड़ा बना हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का बीज बोया हुआ है और सीच इसको आम आदमी पार्टी रही है। हमें एक माध्यम बनाया था कि आज दिल्ली की जनता को सीलिंग से राहत मिले और ये राहत देना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली सरकार तमाशा बना के रखा है दिल्ली की जनता को और दिल्ली के नागरिकों को। आज इतनी बड़ी राहत दिल्ली की जनता को मिल जाती अगर ये हाउस चलने देते। सीलिंग रोकने के लिए दिल्ली सरकार को दोषी बनाया जा रहे हैं, पर दिल्ली सरकार पे ऐसी कोई पावर ही नहीं है जो दिल्ली सरकार सीलिंग बंद कर सके। सीलिंग बंद करती है केंद्र और केंद्र के साथ सांसद यहाँ पे आते नहीं है और ये लोग चाहते नहीं है कन्वर्जन चार्ज के नाम पे। ये अनोतरा इस कॉलोनी के अंदर एक रुपए का फंड नहीं लगा सकते, फिर भी ये कहते हैं अनोतरा कॉलोनी से कन्वर्जन चार्ज मांग रहे हैं, पर ये कर क्या रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं हंगामा, हमारी महिला पार्षद को मारा इन लोगों ने, हर बार पीटते हैं, हर बार बदतमीजी करते हैं, इनसे माफी नहीं मांगी जाती। हम माफी मांगते हैं, हम तो दुखी हो गए। दिल्ली सरकार बहुत कुछ करना चाहती है इन लोगों के लिए, हम आए दिन इन लोगों से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर बीजेपी मेयर से मैं कई दफा मुलाकात करी है, वो कुछ करके राजी नहीं है।